क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे। अरे जिया मालिक, ओ हो, बहुत अच्छे। अच्छा बाबूजी, हम बिरहा गायक रविंद्र यादव फौजी एंड पार्टी आप लोगन के बीच में आर के स्टूडियो जमनिया जेकर रिकॉर्डिंग हमरे गुड्डू भैया करे ले, और रमेश भैया के देख रेख में आप लोगन के बीच में एक वीर रस भेजत बड़ी। हमके आशा ना पूर्ण विश्वास बाप ए बिरहा के आप लोग जरूर पसंद करब। चार लाइन भूमिका के अंदर कभी जी भाव दिए कहना है तई साइए लाल कलम सपूतों, अरे कलम सपूतों के जयकार कर दे, जो जौहर की ज्वाला जला कर दिखा दे, रचा कर दिखा दे, जो मैयत ससा दे बसंते कफन सर बधा कर दिखा दे, कसम हिंद माता की तोड़े गबेड़ी, अरे बचाएंगे भारत में क्रांति का डंका, यादव शिरोमणि थे शिव मंगल यादव फिरिंगी हुकूमत की जलवाये लंका। बिरहा में एगो ऐजे कव्वाली का टुकड़ा लगल कैसे लाल, बड़े पुरान गीत बा लेकिन आज भी कशिश उतने है चमक उतने है कि अरे काबे में तेरा जलवा काशी में नजारा है, के अंदर गजब का लाइन लिखलन कवि जी हो कि वीरों अरे जवानी को तेगे पर नचाया है, जननी के और जननी के लिए अपना गर्दन भी कटाया है, ए बाबू एही जैसे बिरहा की कहानी शुभारंभ हो गई, जौहरी का भाव लगल कैसे लाल, कि जब जुल्म के आगोरों ने गोली फांसी बरसाए तब जिद पे तुले जवानी हथकड़ियां साजी कलाई, यह प्यारा वतन हमारा ना होगी कभी गुलामी, लहरेगा ध्वज पताका वीरों के रही निशानी, यह वतन छोड़कर भागो
जय हिंद कला का नारा, गोरों से हुई बगावत, सर बांधे के फंजू झारा, नारा गांधी जी बोले कुछ करो मरो ये पीरो, यहाँ भिजा बदलने होगी लेकर जंगे समझते रहो। 16 अगस्त धानापुर सन रहा 42 वाला, हम भी स्वराज को ले गए बोले शिव मंगल वाला। अरे जीव वीर रस, ए बाबू, जिस समय हमारे पूरे हिंदुस्तान में ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन था, हरामजादे बिजनेस के पर्पज से आए थे, व्यापार करने के लिए आए थे। हरामजादों ने हमारे देश को खोखला बनाने का काम किए, अत्याचार इतना बढ़ गया, हमारी बहन बेटियों की आबरू को सारे आम बाजार में लीलाम कर देते थे। अगर कोई हिंदुस्तानी उन कमीनों से बगावत करने पर उतारू होता था तो बाबूजी जबान कटवा लेते थे, या तो फांसी के फंदे पर लटका देते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया, सन 1942 का प्रहर आया। 1942 में हमारे हिंदुस्तान में भारत छोड़ो आंदोलन का नारा बुलंद किया गया, छोड़ दे कमीने हमारे हिंदुस्तान को, तुम्हारी प्रताड़ना को कदापि अब बर्दाश्त नहीं करेंगे, भज्जा हरामजादे। ए बाबू, लेकिन कौने वीर का कहानी बा, कौने माई के सपूत का कहानी बा, एक नजर कहानी पर डालल जा, विदेशिया में भाव लगल कैसे लाल। कि वीर बलिदान धाराती, ए बाबू धानपुरा क्षेत्रवा में, अरे कवई पहाड़पुर वीरन के घर नावा, ओही कवई गमुआ में, ए बाबू शेर जैसन छाती राली, अरे कुश्ती में नार हानो मंत पहलवा नावा, अठारह सौ नवासी ईस्वी जेठ दू पहरिया में, माता हो सावित्री जन मवली कलाला नावा, घरवा में सोहर मंगल, हे बाबू गावेली गोतिनिया हो, नमवा शिव मंगल धरैले मरदनावा, ए बाबू जिला चंदौली के अंतर्गत थाना धानापुर, धानापुर के 5-7 किलोमीटर दूरी पर एगो गांव पड़ेला बाबू, जौने गांव का नाम बा कवई पहाड़पुर। ओही कवई पहाड़पुर गौवा में हनुमंत पहलवान रहत रहने, हनुमंत पहलवान का कुश्ती का शोहरत मचल बा, पत्नी का नाम बतावल गई बाबू सावित्री देवी।
1889 ईस्वी के जेठ दुपहरिया में एगो पुत्र के पैदा कैलिन। एगो पुत्र रत्न मिलल, घर में सोहर मंगल भइल बा, गोतिन पड़ोसिन आके गावत बाड़िन, नाम शिव मंगल पड़ गई। ए बाबू, नाव शिव मंगल धराइल बा, इधर हनुमान हनुमंत पहलवान मोची पताव दिले बाड़न, हमरे बेटवा भइल बा, मिठाई बटले बाड़न, लेकिन एक एगो मन में सपना बा हनुमंत पहलवान के। कौन सपना बा, यहाँ बिरहा में एक थे तर्ज लगी लाल। यह गीत कलाइन बा संजय जी कौनो भौजाई का ननद, तैसे चुटकुली बाड़ी चंचल स्वभाव का, बाजार करे का आदत पड़ल बा, रोज रोज बाजारी जात बा, कुछ न कुछ नया चीज खरीद के लियावत बा, लेकिन भौजैया के एक दिन शक हो गई। आ जब भौजैया के शक हो गई तो एगो सवाल कर दिहले, का सवाल कैले, इहे सवाल कैले बा, सोनवा के ला के तलाओ सिकड़िया हो, सोनवा के ला के तलाओ सिकड़िया हो, बतावा बबुनी के कर दी हलबा, दोनों गलिया पे दांत कन्नी सनिया हो, बतावा चुम्मा के कर ली हलबा, लेकिन बिरहा के अंदर कितना सुंदर भाव लिखलन कभी जी, बाबू जी का एक का ही सपनवा हो, बाबू जी का एक का ही सपनवा हो, बबुआ जवान होई है जहिया, हम उनके बनाइब पहलवानावा हो, बबुआ जवान होई है जहिया, सवा के हो गई लय बीरावा, नामी नामी कुश्ती लड़े बाबूजी का हीरावा, सोहरत मचावले पाला नावा हो, सोहरत मचावले पाला नावा हो, बबुआ जवान होई है जहिया, ह
हम उनके बनाइब पहलवनवा हो बबुआ जवान होई है जैया बाबू यह सपना बा हनुमंत पहलवान के बेटवा जब हमार जवान हुई हम पहलवान बनाई पहलवानी में नाम कमाई धीरे धीरे जवान भैलन बाबूजी शिव मंगल यादव 16-18 बरिश का भैल बाटिन जब जवान भैलन कुश्ती में सोहरत मचा दिहलन नामी नामी कुश्ती लड़े लगलन हो बाबू जब पता चलल बा धानापुर थाना दरोगा बलवंत सिंह की एक दिन चौकीदार भेज के बुलवा लिहले आ जब चौकीदार के भेज के बुलवा लिहले बा बलवंत दरोगा ए बाबू बुला की जवन है यही बतिया के शिवमंगल यादव से कहत बारे बाबू शिवमंगल यादव फौज में भर्ती हो जा धन दौलत रुपया पैसा कमैबा शान शौकत से रहबा ए गांव में रह के का करत बाड़ा आ तुरंत बाबू जी कागज बना देता है कागज बना करके फौज में भर्ती कर लिया और भर्ती करने के बाद में पेशावर में बाबूजी ट्रेनिंग के लिए भेज दिया 6 महीना की ट्रेनिंग खत्म हुई इसके बाद में बाबूजी लाहौर ट्रांसफर हो गया और जब लाहौर में पहुंचे हैं शिवमंगल यादव हो बाबू उनके ड्यूटी का अंग्रेज दिहले बाटन यहाँ बिरहा में एक थे तर्ज लगी लाल यह गीतिया का लाइन बा कि अपने बलमुआ के चोरी अरे अपने बलमुआ के चोरी गोरी मांगे घूना घूनावा लेकिन ड्यूटी का मिलल फौजिन के कुश्ती लड़ावे अरे फौजिन के कुश्ती लड़ावे शिवमंगल पहलवान जी कहावे मुगल पठान कोई हाथ ना मिलावे सपही शिव मंगल जी से जनमा बच्चा अरे अंग्रेज अपसर गुण गावे अरे अंग्रेज अपसर गुण गावे शिवमंगल पहलवान जी कहावे ए बाबू जब पहुंचल बाड़े लाहौर में 15 नवंबर 1928 को इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया साइमन नामक अंग्रेज को हिंदुस्तान में भेजती है जाकर के देखो कैसी व्यवस्था चल रही है ठीक वही दिन बाबू पंजाब केसरी लाला लाजपत राय हिंदुस्तानी टोली सजा लिए सजा करके इनकलाब जिंदाबाद के नारा को बुलंद करते हुए आगे बढ़ते हैं भग जाओ अंग्रेज छोड़ दो हिंदुस्तान को तुम्हारा अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे प्लाटून कमांडर सांडर्स को पता लगता है सांडर्स बाबूजी प्लाटून के पूरा सजोले बा आज सजा करके पहुंचता है जब देखता है कि हिंदुस्तानी टोली सजा करके इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं आगे बढ़ रहे हैं आदेश दे देता है हरामजादा आदेश दे देता है कमीना चला दो गोली
चला दो गोली को, मार डालो भारतीयों को। लेकिन बाबूजी, शिवमंगल यादव वही में बाटे, हाथ में बंदूक ले ले बाटन, लेकिन कैसे हिंदुस्तानी के ऊपर गोली चलावे हो बाबू? कैसे अपने देशवासी के ऊपर गोली चलावे? नहीं चलाए। आज जब गोली ना चलाऊ ले, ये हर गर्जत बाने लाला लाजपत राय, बिरहा में यहां एक तर्ज लगी ले अरविंद बाबू। मोरा नैहर मोरा नैहर में तो ये दुई को यार पैर तोरा संग ना जाइब, लेकर के झंडा लाला लाजपत राय गर्जत बाणे बाबू कैसे के कर जलाई का अरे कर जलाई का तिरंगा हिंदुस्तानी हो कि देशवा गुलाम ना रही, बोरिया यो बिस्तर बांधा छोड़ा हिंदुस्तानवा, और रही ना गुलाम हिंद माता कई चमनवा, कि हम वतन के खातिर देबे जिंदगानी हो कि देशवा गुलाम ना रही। नहीं सहेंगे रे कमीने तेरे अत्याचार को, तेरी प्रताड़ना को, गुलाम नहीं रहेंगे, अपना स्वराज लेकर के रहेंगे, हाथ में तिरंगा झंडा लेकर के। लाला लाजपत राय हो बाबू, इनकलाब जिंदाबाद के नारा को बुलंद करते हैं, लेकिन मक्कार कमीना सांडर्स गोली चलवा देता है, तर 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 गोली बाबूजी चलती है, आ करके लाला लाजपत राय के सीने में लगल बा, गिरल बाटन बाबू वही धरती पर, उठावत बाने हिंद के लोग, उठा के ले जाके लाला लाजपत राय के बाबू हॉस्पिटल में भर्ती करौलन हो। 3 दिन बाद बाबूजी ये दुनिया के छोड़ दिहलन, ए दुनिया से चल दिहलन। इधर कमीना सांडर्स शिवमंगल यादव के बुला लिहले, अब बुला के यही बतिया के पूछत बारे, शिवमंगल क्यों नहीं हिंदुस्तानियों के ऊपर गोली चलाया? आवाज देते हैं शिवमंगल यादव, नहीं चलाएंगे, कदापि हिंदवासियों के ऊपर गोली नहीं चला सकता हूं, कमीने तेरी नौकरी नहीं करूंगा रे गद्दार, लेकिन तुम्हारी प्रताड़ना बर्दाश्त नहीं करूंगा। ए बाबू, बंदूक का वर्दी निकाल दे, निकाल के वही जे फेंक दे, अब फेंक के चलल बाड़न अपने गांव कवई पहाड़पुर में। आज जब कवई पहाड़पुर में आयल बाटन 15 नवंबर 1931 को, कादिराबाद के जमींदार बाबू प्रसिद्ध नारायण एगो चिट्ठी लिखलन, आ चिट्ठी में यह लिखले बाड़न कि शिवमंगल यादव, आज पूरे क्रांतिकारियन का मीटिंग बा कमालपुर पोखरा पर, और आप जैसे जवानन का जरूरत बा, आप वहां आवा। चलल बाड़न शिवमंगल यादव, और पतिया में लिखल का बाप एजे बिरहा में फिर तर्ज लग गई, कि हम के ओझा के नप सोखा के अर्द खावा न दो तार देके अपने भैया के बुलावा ना न तो तार, क्रांतिकारियन का सपना अरे स्वराज हम
जल्दी आवा भैया तोहरे ऊपर, जल्दी आवा भैया तोहरे ऊपर नाच हम जल्दी। मागे कुर्बान धरती, मागे कुर्बान धरती दसवा जगावा, गौरवन के शासन के, गौरवन के शासन के मिट्टी में दबावा, आज सिरवा पे तोहरे ऊपर ताज हमे, जल्दी आवा भैया तोहरे ऊपर नाच हमे जल्दी। जब पहुंचल बाड़न बाबूजी कमालपुर पोखरा पर, वहां पर इलाहाबाद से आए हुए हैं पंडित मोतीलाल नेहरू की बहन उमा नेहरू, साथ में कामता प्रसाद त्रिपाठी, मदन मोहन मालवीय जी, श्री प्रकाश जी, कामता प्रसाद विद्यार्थी जी, लल्लन सिंह आदि क्रांतिकारी, तमाम जो है वहां पे भीड़ जुटी हुई है क्रांतिकारियों की। शिवमंगल यादव से सब क्रांतिकारी हाथ मिलौलन। अब मिलौले के बाद बाबूजी क्रांतिकारियन का मुखिया चुन देने। आज जब मुखिया चुन ले बाड़न तो यहां बिरहा का शैली लगल। अरे उजाला यादव कुल का केसरी, जौहर जगा सुमंगल बने क्रांति की ज्वाला, जौहर जगा शिमंगल बने क्रांत की ज्वाला, उजाला यादव कुल का केसरी, बिरहा में गो तर्ज लगिन बाबू। पिया परदेसिया न भावत ससुरा, अरे नग्न दसैला से जारे हो मोरे, उड़ी उड़ी जाले चुनरिया, सोरा अगस्तवा के झंडा उड़ाइब, अरे विद्यार्थी जी के संगवा नारा लगाई, के जनने का तोड़ब गुलामी का बेड़ी, अरे देशवा का दिल में फिकार हो फिर बागी भले क्रांति करिया, ए बाबू 16 अगस्त सन 42 में तमाम जो है क्रांतिकारी जुट करके धानापुर थाने का घेराव कर देते हैं, घेर लिया थाने को, हाथ में तिरंगा झंडा, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद के नारा को बुलंद किया और आवाज दिया, अरे अनवारुल हक दरोगा तिरंगे झंडे को गाड़ लेने दे, कुछ नहीं करेंगे, एक बार तिरंगा झंडा इस थाने पर जो है फहरा लेने दे, इसके बाद हम यहां से चले जाएंगे। लेकिन तैयार नहीं हुआ,
अनवार उल दरोगा बोला, नहीं कदापि मैं तिरंगा झंडा फहराने नहीं दूंगा। भाव लगल बिरहा मिलाल। अरे अबही अबही बारे वो मरला चकनिया, अबही बारे वो मरला चकनिया, गोर खिंचाई निहुर के पनिया, गोर कई झूले झूला निया। क्रांतिकारी जुट के कैलन का जुटल थाने पबी रबी सनिया, जुटल थाने पबी रबी सनिया, लेके झंडा कहो निसनिया, जय हिंद बोले तूफानिया ना। लेकर के तिरंगा झंडा तैयार हो गए, झंडा को गाड़ेंगे थाने के अंदर जो है, कदापि नहीं मानेंगे। क्रांतिकारी आवाज देने लगे कि आगे बढ़वा तक खैबा धोखा, आगे बढ़वा तक खैबा धोखा, दलय नवारुल दरोगा जितने भैल बटो की तो झंडा घड़ी थाने पर झोंक, नारा बोले जुझारा ही ले, नारा बोले जुझारा ही ले, जमीनिया हो निसनिया, दहन बोले तूफानिया। पच्चीस चौकीदारों को लगा दिया हरमजादा चार दीवारी के पास जो है, सात सिपाही को लगा दिया, आदेश दे दिया धानापुर थाना इंचार्ज अनवारुल हक दरोगा, कोई भी क्रांतिकारी थाने के अंदर घुसना नहीं चाहिए। ए बाबू, लेकिन नहीं माने। नतीजा क्या निकला, बिरहा में पहपट से भाव लगल कि अरे इधर गगन में गूंजई जंग नारा झंडा गाड़ूगा, अब उधर तरों का बन गई लय हत्यारा झंडा गाड़ूगा, कंधेले रघुनाथ सिंह रामधार को दिए डकाई हो, विद्यार्थी को हीरा सिंह देहले पार कराई हो। नहीं माने क्रांतिकारी, एक दूसरे को सहारा दे करके चार दीवारी को पार करने लगे, और पार करके किए क्या कि देख दरोगा अरे तुरत गोली मारा झंडा गाड़ूगा, लगी कलेजे गोली गिरे जुझारा झंडा गाड़ूगा। जैसे ही बाबूजी क्रांतिकारी चार दीवारी को पार करके अंदर जाते हैं तिरंगा झंडा गाड़ने के लिए, नहीं मानता है हत्यारा, गोली चला देता है क्रांतिकारियों पर। लगल बागोली बाबू हीरा और महंगू रघुनाथ, हीरा सिंह रघुनाथ सिंह और महंगू सिंह के सीने में गोली लग गई है। वहीं पर बाबू गिर गिले तीनों वीर। आज जब गिरल बाटन बाबू, तमाम क्रांतिकारी जो है दीवार को तोड़ दिए, और तोड़ करके अंदर घुस गए। अंदर घुसने के बाद में रामधार लेकर के गई थी और खुदाई करने लगे तिरंगा झंडा गाड़ने के लिए,
इधर कुछ क्रांतिकारी जवान उठा रहे हैं हीरा सिंह को, महू सिंह को, रघुनाथ सिंह को। भाव मिला लाला में कैसे बाबू? के अरे माता से महान होला देशवा के भगतिया बाबू, जननी के करनवा बिरवा हो गइले फकीर, घसिया के रोटी खैलन राणा बिरनवा रे बाबू, शिवाजी तोड़लन बैर का जंजीर, सिरवा चढ़ाले दहलिन झांसी वाली रनिया ये बाबू, भसिया कटोरी कुमलन भगत सिंह वीर, लेकिन बाबू जब लाश देखले बालन क्रांतिकारी हीरा सिंह और महंगू सिंह रघुनाथ सिंह को अंगार पर गया, पहुंच गए बाबूजी चार दीवारी को तोड़ करके अनवारुल दरोगा के पास में। अब पहुंच के सवाल किले, का सवाल किले सदर से भाव हो, लसिया देखा पिरवा हो गई अंगरावा, अरे जिंदा नहीं छोड़ल जागी पाजे के सारी, पूछे रजना राजन पाजी का है मरल गोली, पाजिया के धैले हरि नारायण गंभीर, अरे लठिया के लेके दौड़ल सुमंगल बाघेला, अरे मारे लगला लाठी सिरवा पे हो जाही, लठिया लगत फटल पापी कई कपरावा, गिर गए जमी पर लोहू बहे जैसे नीर, मुंशी अब्दुल उमर मर गई, हाँ बाबूजी पकड़ लिए जा करके, और दरोगा को पकड़ने के बाद दौड़ पड़े जो है शिव मंगल यादव अपनी लाठी लेकर के, जा करके उठा के लाठी वही सिर पर मरलन। आज जब सिर पर मरले बाड़न बाबू अनवारुल दरोगा गिरल बा, अग्रहरी जी धय ले रहे, आज जब दरोगा गिरल मुंशी अब्दुल उमर को भी मार दिए। मारने के बाद थाने के अंदर आग लगा दिए, लवर फूट गई बाबूजी, भागने लगे सब सिपाही हरामजादे जो बचे थे। बोड़े के अंदर जो है दरोगा और सिपाहियों की लाश भर करके ले गए नरौली घाट पर, और गंगा जी में ले जा करके गंगा के तीर जो है ले जा करके पापियों को फेंक देते हैं, डाल देते हैं गंगा नदी में। जगह जगह बाबूजी क्रांतिकारी निकल गए, लेकिन उस थाने पर तिरंगा झंडा लहराया गया। मैं अपने बिरहा के माध्यम से बता देना चाहता हूं मित्रों कि हमारा पूरा हिंदुस्तान सन 1947 में आजाद हुआ था,
लेकिन धानापुर की धरती 7 दिन के लिए जो है मित्रों 42 में आजाद हो गई थी। 16 अगस्त से लेकर के 23 अगस्त तक 7 दिन के बाद में दोबारा हरम जादू ने थाने के ऊपर जो है कब्जा किया। झंडा उड़ा करके वीर चले कहां, बिरहा का आखिरी भावा के झंडा धाना पर उड़वले बीर बघेला बीरवा के धन्य यादव कल नमस्तु मंगल बीरा। धानापुर का क्रांति देखी पाजी घबराई कि अरे एक सौ 56 वीर गईले पकड़ाई। घबरा गए हरामजादे, 156 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया कमीने। कुछ उसमें से छूट गए, कुछ के ऊपर मुकदमा चली, कुछ को लंबी सजा मिली, कुछ को जो है छोटी सजा मिली बाबूजी। लेकिन बाबू शिव मंगल यादव को हरम जादू ने गिरफ्तार नहीं कर पाया। चले कहां कि माता सावित्री का भैले अरे फरार ही रवा धन्य यादव कैलल नवा शिव मंगल बिरावा। गैलन कहां बाबू कि गौवा निरंजनपुर बिहार अंदर गैल अरे राम दाहिन यादव उनकर साथी बन गैल। के झूम अंबर तब उठल बाप गोरवन के पीरावा के धन्य यादव कैलल नमस्तु मंगल बिराव। बिहार में बाबूजी जाकर के निरंजनपुर गांव राम दाहिन यादव के यहां रहने लगे, लेकिन हरम जादे पता नहीं लगा पाए। आखिरी समय में शिवमंगल यादव शिवमंगल पहलवान को मृत घोषित कर दिए। चलिए स्वामी गुरु बिहारी पत्तू धन्य शिवमंगल वीर राम सकल तरजो शंकर को दे गए एक नजीर। अरे उजाला यादव कुल का केसरी छोटे लाल रविंदर बने क्रांति की ज्वाला। उजाला यादव कुल का केसरी ज्वाला हो उजाला यादव कुल का केसरी।